कुछ ख्वाब हमारी समझ से परे होते हैं और कुछ हकीकत एक खौफनाक याद बन जाती है जो रात की नींद और दिन का सुकून छीन लेती है। ऐसे ही ख्वाब और हकीकत के बीच एक उलझी सी कहानी क्या सुलझ पाएगी? मैं सिया खान आपके सामने एक उलझी हुई सी हकीकत प्रस्तुत करने जा रही एक खौफनाक चीख की आवाज सुनते ही वो डर से सहम गई। वो अपनी आंखों से इधर उधर देखने की कोशिश करने लगी पर उसे हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था। जब उसने अपने हाथों से अपनी आंखें मलने की कोशिश की तो पाया कि उसके हाथ बंधे हुए हैं। उसे किसी ने एक कुर्सी से बांधा हुआ था। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसकी ये हालत कैसे हुई। उस लड़की का नाम नियति था। नियति एक रिसॉर्ट में मैनेजर का काम करती थी। उसे याद था कि उस रात रिसॉर्ट में देर रात तक एक पार्टी चलने वाली थी जिसका सारा काम नियति को देखना था। उस पार्टी में बहुत से विदेशी लोग भी आए थे। पार्टी में काफ़ी सारे लोग जुड़ते जा रहे थे। डेकोरेशन से लेकर खाने तक नियति को बहुत सारी तारीफें मिली जिसकी वो बाखूबी हकदार थी। नियति के लिए ये कॉम्प्लीमेंट काफ़ी मायने रखते थे। पार्टी वाला माहौल काफ़ी शानदार हो चुका था। डांस, ड्रिंक, डिनर और फिर धीरे धीरे सब लोग अपने अपने कमरे में चले गए। आधी रात हो चुकी थी। नियति मन ही मन बहुत खुश थी कि आज उसे लोगों से बहुत सारी तारीफें सुनने मिली। अचानक से किसी ने पीछे से नियति के सिर पर वार किया। नियति ये सब सोच ही रही थी कि तभी वो खौफनाक चीख नियति को फिर से सुनाई दी। सहमी हुई सी नियति ने आवाज़ लगाने की कोशिश की पर वो चीख इतनी भयानक थी कि डर के मारे नियति कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसे तो ये भी नहीं पता था कि बाहर दिन है या रात। नियति बस इतना जानती थी कि वो एक अंधेरे कमरे में बैठी हुई कुर्सी पर बंधी है जहाँ पर उसे बस खौफनाक चीखें सुनाई देती हैं। ना कोई आता है ना कोई जाता है। थोड़ी देर बाद नियति ने बहुत हिम्मत जुटाते हुए अपने हाथों को खोलने की कोशिश करने लगी। नियति के हाथ और पैर दोनों ही बंधे थे। रस्सी इस तरह से बंधी हुई थी कि ज़रा सा जोर लगाने पर नियति के हाथ भी कट सकते थे। नियति की ये कोशिश नाकामयाब हो गई। तभी उसने कुछ अलग सी आवाज़ सुनी। आवाज़ ऐसी आ रही थी जैसे कोई कुछ काट रहा हो। नियति को लगा कि अगर कोई वहाँ पर है तो वो उसे बचा सकता है। लेकिन फिर नियति ने सोचा कि हो सकता है वो वही लोग हो जिन्होंने नियति को बांधा हुआ है और अगर उन्हें पता चला कि नियति मदद के लिए चीख रही है तो वो लोग उसे जान से मार भी सकते हैं। नियति की उलझन
और डर दोनों बढ़ता जा रहा था। वो फिर से हाथ खोलने का प्रयास करने लगी। इस बार उसे थोड़ी कामयाबी नजर आने लगी। इसी प्रयास के दौरान नियति की आंख लग गई। तभी अचानक कुछ लोग आए और नियति को वहां से उठाकर अपने साथ ले गए। नियति ने बचाव की बहुत कोशिश की, पर वो लोग ज्यादा थे और नियति के हाथ पैर बंधे हुए थे। उन लोगों ने नियति के चेहरे को प्लास्टिक से लपेट दिया और उसके गले में रस्सी बांधी। रस्सी एक 5 किलो के जितने वजन पत्थर से बंधी थी। फिर उन्होंने नियति को तालाब में फेंक दिया। तालाब में गिरते ही नियति के गले में बंधा पत्थर धम से पानी में गिर गया, जिससे नियति की मौत हो गई। अचानक से नियति की आँख खुली तो उसने पाया कि वो एक बुरा सपना था, जिसने नियति को और डरा दिया था। पहले खौफनाक चीख, फिर ये भयानक सा सपना। नियति इन सब से बाहर निकलना चाहती थी। उसने फिर से अपनी रस्सियां खोलने की कोशिश की और इस बार वो सफल हो गई। अब नियति के हाथों की रस्सियां खुल चुकी थी। वो अपने पैरों की रस्सियां खोलने लगी। उसे महसूस हुआ कि रस्सियां खोलने पर उसके हाथ और पैर से खून निकलने लगा है। अब रस्सियां खुल चुकी थी। नियति इस काम में तो कामयाब हो गई, लेकिन वो नहीं जानती थी कि आगे आने वाला रास्ता और दिल दहला देने वाला था। नियति धीरे से कुर्सी से उठ खड़ी हुई, पर कमरे में अंधेरा होने के कारण उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो अपने हाथों की मदद से रास्ता तलाशने लगी। बहुत ढूंढने पर नियति को उस कमरे से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं मिला। नियति अब हार मानने लगी थी। उसे लगा शायद अब वो यहाँ से कभी नहीं निकल पाएगी। तभी नियति को फिर से वो खौफनाक चीख सुनाई दी। नियति ने उस आवाज़ की दिशा को महसूस किया तो पाया कि कमरे में कोई दरवाज़ा नहीं था। वो आवाज़ नीचे की तरफ से आ रही थी, यानी जिस कमरे में नियति बंद थी उसका दरवाज़ा किसी दीवार में नहीं बल्कि ज़मीन में था। अब नियति जमीन पर हाथ फेरते हुए दरवाजे की तलाश करने लगी। नियति को एक उम्मीद नजर आने लगी थी। इस कोशिश में अब दरवाजे की कुंडी नियति के हाथ लगी। नियति ने धीरे से दरवाजा खोला तो नीचे एक आदमी कुछ चीज को टुकड़ों में काट रहा था। उस आदमी के हाथ में बहुत बड़ा चाकू था, जिसकी धार बहुत तेज थी। शायद वो किसी जानवर को टुकड़ों में काट रहा था। थोड़े आगे नजर घुमाने पर नियति ने जो देखा उससे वो दंग रह गई। नियति ने देखा कि वो आदमी किसी इंसान के पैरों के टुकड़े कर रहा था, जिसका पूरा पैर साइड में रखा हुआ था और दूसरे पैर के वो आदमी टुकड़े किए जा रहा था। ऐसा खौफनाक नज़ारा देख नियति को चक्कर आने लगा था। उसने वो दरवाज़ा दोबारा बंद कर लिया और फिर से उस कुर्सी पर जा बैठी। नियति की तबीयत बहुत खराब होने लगी। उसके सामने बस कटा हुआ पैर और पैरों के टुकड़े करता हुआ
आदमी नजर आ रहा था। थोड़ी देर बाद वो आवाज बंद हुई। नियति ने हिम्मत करके फिर से वो दरवाजा खोला तो वहाँ कोई नहीं था और लाइट भी ऑफ थी। नियति नीचे की ओर आने लगी। वहाँ अजीब सी बदबू आ रही थी। अब नियति ठीक उसी जगह पहुंची जहाँ वो आदमी उस पैर के टुकड़े कर रहा था। वहाँ धीमी सी रोशनी थी। उस धीमी रोशनी के सहारे नियति आगे बढ़ती गई। तब उसने पाया कि एक कमरे से बहुत अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी, जैसे कोई रो रहा हो या फिर दर्द से कर्रा रहा हो। नियति ने कमरे का दरवाजा खोला तो पाया कि वहाँ बहुत सारे लोग थे जिनके पैर कटे हुए थे और कटे हुए पैरों से खून बह रहा था। बहुत बदबू भी आ रही थी। उनमें से एक ने नियति की ओर देखते हुए कहा कि तुम यहाँ से चली जाओ वरना ये लोग तुम्हें भी मार देंगे। नियति ने घबराई हुई आवाज में पूछा कि वो लोग आप लोगों के पैर क्यों काट रहे थे, कौन हो आप सब? उसने बताया कि नियति को यहाँ एक औरत लेकर आई है जो तंत्र विद्या करती है। यहाँ आदमियों के पैर काट कर टुकड़े किए जाते हैं और उन्हें इस कमरे में बंद कर दिया जाता है जब तक वो मर नहीं जाते। लेकिन वो तंत्र मंत्र करने वाली औरत नियति को यहाँ बलि चढ़ाने लाई थी। इतना कहकर वो आदमी जमीन पर गिर गया। नियति अब समझ चुकी थी कि जो चीखें उसे सुनाई देती थी वो इन मासूमों की थी जो इस शैतानी जाल में फंस चुके थे। नियति वहाँ से भागकर सबको बचाना चाहती थी। नियति ने बाहर का रास्ता ढूंढने की कोशिश की। बहुत कोशिश करने पर नियति को एक खिड़की दिखाई दी जिससे उसने बाहर निकलने की कोशिश की। अब नियति उस भयानक जगह से बाहर निकल चुकी थी। नियति जैसे ही बाहर की ओर निकली तो उसने देखा कि शाम होने वाली है। धीमे धीमे से धूप देख नियति के चेहरे पर एक अलग सी खुशी दिखाई देने लगी। नियति वहाँ से भागती हुई एक अस्पताल पहुँची जहाँ पागल पेशेंट्स का इलाज किया जाता था। वो अस्पताल सिर्फ महिला मरीजों के लिए ही था। नियति अस्पताल के अंदर गई और रिसेप्शन पर मदद मांगने लगी। उसने रिसेप्शनिस्ट से कहा कि वो भाग आई है और बहुत लोग हैं जिनकी जान को खतरा है। नियति इतना घबराई थी कि वो सही से बात भी नहीं कर पा रही थी। उस रिसेप्शनिस्ट ने नियति से कहा कि वो थोड़ी देर शांत बैठे, पानी पिए। मैम रास्ते में है, थोड़ी देर में आएंगी, वो आपकी हेल्प ज़रूर करेंगी। उस रिसेप्शनिस्ट की बातों ने नियति को तसल्ली तो दे दी, पर क्या नियति सच में उन लोगों की जान बचा सकती थी या फिर ये कदम उसे अपनी ही मौत के करीब ले जाएगा। नियति ऐसी सोच में थी कि अचानक कार रुकने की आवाज़ आई। नियति ने देखा कि अस्पताल के बाहर एक कार आकर रुकी है जिसमें से एक महिला निकलकर अस्पताल की ओर आने लगी। उस महिला ने बड़ी सी बिंदी लगाई हुई थी और दिखने में बहुत अलग सी लग रही थी। तभी रिसेप्शनिस्ट ने कहा, देखो हमारी मैम आ गई, अब वो आपकी हेल्प ज़रूर करेंगी। वो बड़ी बिंदी वाली ने रिसेप्शनिस्ट को इशारा किया कि वो नियति को उसके केबिन में भेजे। नियति घबराती हुई केबिन के अंदर पहुंची।
उस बड़ी बिंदी वाली ने बताया कि उसका नाम बिंदु है और वो इस अस्पताल की ओनर है। फिर उन्होंने नियति को दिलासा देते हुए अपनी बात रखने कही। नियति ने उस बड़ी बिंदी वाली को सारा किस्सा सुनाया और कहा कि वो उन सबको बचाना चाहती है जो वहाँ कैद है। बड़ी बिंदी वाली बिंदु मैम ने नियति को सुरक्षित अपने स्थान पर पहुँचाने का वादा किया। बड़ी बिंदी वाली बिंदु मैम ने नियति से कहा कि रात बहुत हो चुकी है, इसलिए कोई मदद के लिए सामने नहीं आएगा। हम सब सुबह निकलेंगे और उन सबको वहां से बचा लेंगे। फिलहाल रात काफ़ी हो चुकी है, तो तुम आराम करो। ये कहकर बड़ी बिंदी वाली बिंदु मैम वहां से अपने घर चली गई। रिसेप्शनिस्ट ने नियति को अस्पताल में एक कमरा दिया और उसके खाने पीने का इंतजाम करवाया। नियति ने खाना खाया और सोने की कोशिश करने लगी, क्योंकि आने वाली सुबह उसके लिए बहुत मायने रखती थी। नियति चैन की सांस ले पा रही थी, क्योंकि वो बच गई थी या फिर शायद वो फंस गई थी। सोचते सोचते कब नियति की आंख लग गई पता नहीं चला, और जब नियति की आंख खुली तो उसने देखा कि वो उस कमरे में नहीं है जो रिसेप्शनिस्ट ने उसे दिया था, वो किसी एम्बुलेंस में थी। नियति को कहीं ले जाया जा रहा था। नियति अचानक उठकर बैठ गई तो देखा कि एम्बुलेंस पर वो आदमी है जो लोगों के पैरों के टुकड़े काटता था। नियति जोर से चीखकर बेहोश हो गई। अचानक से नियति की आंखें खुली तो उसने पाया एक औरत उस आदमी से बात कर रही थी। वो औरत कह रही थी, वो लड़की कैसे भाग गई? तुम लोगों से कहा था कि मुझे उसकी बलि देनी है ताकि तंत्र मंत्र विद्या को खुश कर सकूं। फिर कैसे भाग गई वो लड़की? वो तो अच्छा हुआ कि भागकर सीधा मेरे पास आई, वो भी मदद के लिए। बेवकूफ लड़की मौत से भागकर मौत के ही पास आ गई। मैं उसे एम्बुलेंस में लाई हूँ, उसे वापस बांधो और बलि की तैयारी करो। वो औरत बातें ही कर रही थी। नियति ने उस औरत का चेहरा देखने की कोशिश की तो पाया कि वो और कोई नहीं बल्कि बड़ी बिंदी वाली बिंदु मैम है। बड़ी बिंदी वाली बिंदु की बातें सुन उस आदमी ने जवाब दिया, क्या मैडम आपने पी ली है क्या? कुछ भी बोल रही हो, यहाँ से कोई लड़की नहीं भागी है। तभी बड़ी बिंदी वाली बिंदु ने कहा कि वो लड़की एम्बुलेंस में है, जाकर देख लो। वो आदमी हंसता हुआ एम्बुलेंस की तरफ गया तो वहाँ कोई नहीं था। उसने कहा, देखो मैडम कोई नहीं है, मैं बोला था आपसे कि कोई लड़की नहीं भागी है। हाँ, पर जिस लड़की की बलि देने की बात आप कर रहे हो वो कल शाम को ही मर गई। आप चलो मेरे साथ, मैं उसकी लाश दिखाता हूँ आपको। अपनी मौत की खबर सुनकर नियति के होश उड़ गए। वो भी उन दोनों के पीछे पीछे अंदर चली गई तो देखा कि वहाँ सच में नियति की लाश पड़ी हुई थी। खिड़की से बाहर जाते वक्त उस आदमी ने नियति पर पीछे से वार किया था, जिसके कारण नियति की वहीं पर मौत हो गई। नियति के अंदर का डर अब गुस्से में बदलने लगा था। नियति अपने आप को तो नहीं बचा पाई, लेकिन अपने जैसे और लोगों की जान जाने नहीं देना चाहती थी। नियति की लाश देखकर बड़ी बिंदी वाली बिंदु घबरा गई और वो वहां से भागने लगी। पीछे मुड़ने पर बड़ी बिंदी वाली ने पाया कि नियति उसके सामने खड़ी है। नियति के हाथों में वही कुल्हाड़ी थी जिससे बड़ी बिंदी वाली बिंदु बलि दिया करती थी, और उसी कुल्हाड़ी से नियति ने बड़ी बिंदी वाली का सर उसके धड़ से अलग कर दिया।
और उस आदमी के पहले पैर काटे, फिर उसके सामने उसके पैरों के टुकड़े किए और आखिर में उसे भी मार दिया। तभी अचानक डोरबेल बजने की आवाज़ आई और नियति की आँख खुल गई। डर से पसीना पसीना हुई नियति ने पाया कि वो जिंदा है और ये सब एक बहुत बुरा सपना था। डोरबेल की आवाज़ सुनकर नियति ने दरवाज़ा खोला तो उसके होश उड़ गए। नियति ने देखा कि सामने बड़ी बिंदी वाली बिंदु मैडम खड़ी है। अक्सर लोगों को ये कहते सुना है कि सपने और हकीकत में बहुत फ़र्क होता है, लेकिन अगर सपना सच हो जाए और सच भयानक मोड़ ले ले तब इंसान अपने आप में एक रहस्य बन जाता है। हर हसीन पल को तस्वीरों में कैद करना बहुत आसान होता है, लेकिन जब हसीन पल हादसा बन जाए तो वो जहन में घर कर लेता है। एक ऐसे ही खौफनाक किस्से से हम रूबरू होंगे। मैं सिया खान आपके सामने एक खौफनाक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कहानी विशाल की है। स्टूडियो फोटोग्राफर की नौकरी करने वाले विशाल के पास अब अपना कैमरा आ चुका था। अब वो खुद फोटोग्राफी के ऑर्डर लेने लगा था। फोटोग्राफी के काम से एक दिन विशाल दूसरे गांव की ओर निकल पड़ा। वहां किसी की बर्थडे पार्टी थी। इस फोटोग्राफी ऑर्डर के विशाल को काफी अच्छे पैसे दिए गए थे, पर दिक्कत ये थी कि पार्टी देर रात तक चलने वाली थी और उसके बाद वहाँ पर रुकने का कोई अच्छा ठिकाना नहीं था। इसलिए विशाल ने सोचा कि वो रात में ही सफ़र कर घर वापस लौट जाएगा। विशाल अपना कैमरा सेटअप लेकर बर्थडे वाली जगह पर पहुंच गया। वो एक बहुत शानदार मेंशन था जहां विशाल ने कुछ तस्वीरें भी खींची। तभी अचानक एक सुनहरे बालों वाली गोरी चिपली लड़की विशाल को सामने से इशारा करने लगी। उसने विशाल को मेंशन के बाहर आने का इशारा किया। विशाल ने उस लड़की को कैमरा दिखाते हुए इशारा किया कि वो अभी बाहर नहीं आ सकता। ये कहकर विशाल दोबारा से तस्वीर लेने लगा। कुछ देर बाद जब विशाल तस्वीरें ले चुका था तब उसने इधर उधर देखा तो वो लड़की विशाल को बाहर की ओर नजर आई। विशाल फौरन उस लड़की के पास पहुंचा और उसने उस लड़की से माफ़ी मांगी। विशाल ने कहा कि वो तस्वीर लेने में थोड़ा बिजी था, इसलिए वो उस लड़की के बुलाने पर नहीं आ पाया। फिर विशाल ने उस लड़की से पूछा कि वो मेंशन के बाहर क्यों खड़ी है, अंदर क्यों नहीं आ रही। कुछ देर तक तो वो लड़की विशाल को घूरने लगी और फिर उसने झाड़ियों की ओर इशारा किया। विशाल ने उसे इनकार कर मेंशन के अंदर जाने का इशारा किया। वो लड़की नाराज हो गई और उसने विशाल को हाथ के इशारे से लौट जाने को कहा। देखते ही देखते वो लड़की झाड़ियों की तरफ चली गई। विशाल से रहा नहीं गया, वो भी उस लड़की के पीछे पीछे झाड़ियों की तरफ बढ़ता चला गया। पर उस वक्त विशाल ये नहीं जानता था कि इस बेवकूफ़ी का अंजाम बहुत खौफनाक हो सकता है। कुछ ही दूर चलने पर विशाल के सामने
अंधेरा सा छा गया। अचानक उसे बेचैनी महसूस होने लगी। विशाल का दिल चेतावनी दे रहा था कि कुछ बुरा होने वाला है। विशाल का फोन उसकी जेब में ही था, पर डर से कांपते हुए वो अपना फोन ऑन नहीं कर पा रहा था। अचानक विशाल की नज़र एक बड़े से पत्थर की ओर गई। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ पर दो लोग बैठकर बातें कर रहे हैं। विशाल गिरते पड़ते उस पत्थर की ओर बढ़ा, लेकिन जब विशाल उस पत्थर के पास पहुंचा तो उसकी रूह कांप गई। विशाल ने देखा कि वहां पर वही लड़की बैठी थी जिसने विशाल को झाड़ियों की तरफ आने का इशारा दिया था। अब उस लड़की का असली रूप विशाल के सामने आ चुका था। एक धड़ पर दो सिर, एक धड़ पर दो सिर वाला भयानक नजारा देखकर विशाल की चीख निकल गई। उस लड़की के धड़ पर जो दूसरा सर था वो पूरी तरह से कुचला हुआ था। उस भयानक आकृति से दिल दहला देने वाली आवाज सुनाई देने लगी। विशाल बहुत तेजी से भागा और किसी तरह एक कच्चे रास्ते पर आ गिरा। थोड़ी देर बाद वहां बाइक पर दो लड़के आए और विशाल को मेंशन वाली बड्डे तक लिफ्ट दी। उन्होंने विशाल को धमकाते हुए पूछा कि वो झाड़ियों के भीतर क्या कर रहा था। विशाल उस लड़की वाली खौफनाक बात बताकर और मुश्किलें नहीं बढ़ाना चाहता था। विशाल मेंशन पहुंच चुका था। उसने अपनी फोटोग्राफी की फीस ली और वहां से निकल गया। विशाल उस मेंशन से लौट गया, पर उसके मन में उस हादसे ने घर कर लिया था। पता करने पर जो बात सामने आई उसने विशाल के रोंगटे खड़े कर दिए। उस शानदार मेंशन में रहने वाले मालिक ने अपनी जवान बेटी और उसके प्रेमी को बेरहमी से मार कर उस झाड़ियों के भीतर दफन कर दिया था। तब से उन दोनों की रूह एक धड़ और दो सिर के साथ भटक रही थी। विशाल खुशकिस्मत था जो बच गया। कुछ खौफनाक चीजें ऐसी होती है जिसका डर हमारे रोम रोम में समा जाता है। एक परिवार में घटी इस अजीब घटना ने सबको हिला कर रख दिया था। ये किस्सा काफी पुराना है पर है बहुत डरावना। मैं सिया खान आपके सामने ये खौफनाक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। किसी गांव में सुगंधा नाम की एक औरत रहती थी। उसके दो छोटे छोटे बच्चे थे और वो अपने पति और बच्चों के साथ उसी गांव में अपना जीवन सामान्य रूप से व्यतीत कर रही थी। पर एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। हुआ यूं कि एक रात गांव में बहुत तेज आंधी आई। आंधी इतनी तेज थी कि बड़े बड़े पेड़ टूट कर इधर उधर बिखर गए। किसी के घर टूट गए तो किसी की फसलों को नुकसान हुआ। आंधी जब शांत हुई और जब सुबह हुई तो गांव का हाल बेहाल हो गया था। सब कुछ तबाह हो चुका था। उस गांव में इससे पहले ऐसी तेज आंधी कभी नहीं आई थी। जिनके जिनके सामान बर्बाद हुए उन्हें काफी निराशा हुई।
क्योंकि उनका सब कुछ बर्बाद हो चुका था। एक बात अजीब थी कि गांव में थोड़ा बहुत हर किसी का नुकसान हुआ, पर सुगंधा के घर एक आंच तक नहीं आई, जो कि ये एक अजीब बात थी। इस घटना के एक हफ्ते बाद गांव की स्थिति अब सामान्य होने लगी थी। एक दिन जब सुगंधा तेज धूप में घर से बाहर निकली, तो उसने गौर किया कि उस कड़ी धूप में उसकी परछाई नजर नहीं आ रही थी। पहले तो उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसने गौर किया तो पाया कि हर व्यक्ति की परछाई तो सामान्य रूप से नजर आ रही थी, सिर्फ सुगंधा की परछाई बिल्कुल गायब थी। सुगंधा बहुत घबरा गई कि आखिर कैसे मुमकिन हो सकता है कि मेरी ही परछाई नजर नहीं आ रही है। उसने जब ये बात अपने पति को बताई तो उन्हें लगा कि सुगंधा की बातों पर यकीन कैसे करें, लेकिन जब उन्होंने अपनी आंखों से देखा तो उनके होश उड़ गए। सुगंधा की परछाई सच में गायब थी। सुगंधा और उसके पति ने यही सोचा कि इस बात की भनक किसी को नहीं लगने देंगे, वरना गांव वाले सुगंधा को डायन समझकर मार देंगे। सुगंधा इस बात को औरों से तो छिपा सकती थी, पर अपने आप में घुट रही थी। सुगंधा की रातों की नींद उड़ गई थी। उसे हर वक्त ऐसा लगता था कि उसके शरीर से आत्मा निकल गई हो। दिन में तो सुगंधा की परछाई नजर नहीं आती थी, पर रात के अंधेरे में उसे कई सारी परछाई अपने आसपास घूमती हुई नजर आती थी। सुगंधा को लगा कि आखिर इतनी सारी परछाई किसकी है। ये जानने के लिए वो अपनी आंखों को छूने लगी। तभी वहाँ मौजूद सारी परछाई भी अपनी आंखों को छूने लगी। वहाँ मौजूद सारी परछाई सुगंधा की ओर बढ़ने लगी और उन सबको अपनी ओर बढ़ता देख सुगंधा डर से बेहोश हो गई। सुगंधा को बेहोश पाकर उसके पति ने सुगंधा के चेहरे पर पानी के कुछ छींटे मारे, जिससे सुगंधा को होश आने लगा। होश में आते ही वो सारी बात अपने पति को बताने लगी, जिसके बाद उन दोनों ने ये फैसला किया कि वो आने वाली रात को गांव छोड़कर चले जाएंगे। कहावत है कि दीवार के भी कान होते हैं, और ये बात बिल्कुल सच साबित हुई। पता नहीं कैसे इस बात की भनक गांव वालों को लग गई, और अगली ही सुबह सभी गांव वाले एकजुट होकर सुगंधा के घर के बाहर इकट्ठा हो गए। उन्होंने सुगंधा से कहा कि तुम बाहर आओ और इस धूप में खड़ी हो जाओ, अगर ये बात सच निकली तो हम तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। सुगंधा डर से रोने लगी। वो जानती थी अब उसकी मौत तय है। लोगों ने उसे धूप में खड़ा किया तो देखा कि सच में उसकी परछाई गायब थी। वहाँ मौजूद सारे गांव वालों के होश उड़ गए। वो सब समझ गए थे कि सुगंधा एक डायन है। उन्होंने सुगंधा को जान से मारने का फैसला किया और गांव वालों ने उसे जमीन में जिंदा दफन करने का फैसला लिया। सुगंधा रो रोकर यही कही जा रही थी कि
मैं कोई डायन नहीं हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे मत मारो। गांव वालों ने उसकी एक भी नहीं सुनी और उसे जिंदा जमीन में दफन कर दिया। विरोध करने पर उसके पति को भी लोगों ने काफी मारा। फिर उसी रात उस गांव में बहुत तेज आंधी आई, सब कुछ टूटकर इधर उधर बिखर गया। तभी सुगंधा का पति उसकी कब्र के पास गया और उसकी कब्र खोदने लगा। तेज आंधी में उस कब्र को खोदना काफी मुश्किल हो रहा था, क्योंकि तूफान में उड़ती धूल और मिट्टी आंखों में पड़ रही थी। पर वो लगातार उस कब्र को खोदे जा रहा था। थोड़ी ही देर में सुगंधा की लाश दिखी और उसने उस लाश को कब्र से बाहर निकाल लिया। उसने देखा कि सुगंधा की सांसें अभी तक चल रही थी, वो जीवित थी। और अचानक ही सुगंधा उठकर खड़ी हो गई। ये देख सुगंधा के पति के होश उड़ गए। उन्हें लगा कि आखिर ये कैसे हो सकता है, मैं तो उसकी लाश को यहाँ से लेकर जाना चाहता था, पर सुगंधा तो मुझे जीवित ही मिल गई। उन्होंने उसी रात इस गांव को छोड़कर जाने का फैसला लिया और जाते जाते सुगंधा ने ये श्राप दिया कि आज के बाद इस गांव पर आत्माओं का डेरा होगा, जो एक एक करके हर व्यक्ति को मार देगा। क्या डायन सच में होती है या कोई अंधविश्वास है? लोग हर तरह के किस्से सुनाते हैं, पर क्या ये सब कुछ वाकई में सच है? आज भी ग्रामीण क्षेत्र में इन चीजों पे आंख बंद करके विश्वास किया जाता है। यहाँ तक कि इस अंधविश्वास में कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं, लेकिन फिर भी उनकी आंखें नहीं खुलती और वो लगातार इन चीजों को दोहराते रहते हैं। क्या ये डायन, भूत, प्रेत, तंत्र मंत्र सभी झूठे हैं? मैं सिया खान एक रोमांचक कहानी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ये कहानी एक ऐसी बच्ची की है जिसकी देखरेख एक डायन ने की। बात दरअसल ये हुई थी कि इस बच्ची को किसी ने जंगल में छोड़ दिया था, क्योंकि वो लड़की थी। उस जंगल में फेंकी हुई बच्ची को एक औरत ने उठा लिया और वो औरत एक डायन थी। उस लड़की का बचपन डायन के साथ बीता और अब वो पूरे 7 साल की हो चुकी थी। उस डायन ने पूरे लाड प्यार से उस बच्ची की देखरेख की और वो उससे बेहद प्यार करती थी। समय बीतता गया और वो डायन बच्ची को भी उसी रंग में ढालने लगी। डायन अपने सारे गुण उस बच्ची को सिखाने लगी और कहा जाता है कि जैसी परवरिश मिलती है वो व्यक्ति उसी के रंग में ढल जाता है। और यही हुआ उस बच्ची के साथ। वो सारे गुण उस डायन से सीखती चली गई और जैसे जैसे वो डायन कहती वो बच्ची वैसा ही काम करती और धीरे धीरे वो उस बच्ची को काला जादू सिखाने लगी। और ये क्रिया यही संपन्न नहीं हुई, बल्कि इसके बुरे परिणाम सामने आने शुरू हुए। और ये बात बिल्कुल सच है कि डायन किसी भी जीव को मारने में संकोच नहीं करती, और यही काम वो बच्ची भी करने लगी। वो किसी भी बिल्ली या पक्षी को मार कर और उसका दिल निकाल कर खा जाती थी। और वो बच्ची अपनी माँ के साथ रात को अंधेरे में शमशान जाया करती थी। वो वहाँ आत्माओं को जागृत करती थी और वो वहाँ
रूह को अपने अंदर बुलाती थी, उनसे बात किया करती थी। ये सारी चीजें वो बच्ची माँ से सीखती रही। वो बच्ची 12 वर्ष तक अपनी माँ के साथ उस शमशान में जाती रही, और जब वो 12 वर्ष की हो गई तो उसकी माँ ने उसे अकेले ही शमशान जाने को कहा। ये पहली दफा था कि उस बच्ची को बगैर अपनी माँ के अकेले ही शमशान में जाना था। वो बच्ची डर रही थी, लेकिन वो बहुत हिम्मत जुटाकर शमशान जाने को राजी हो गई। जब वो शमशान के रास्ते में गई तो वहाँ चारों ओर अंधेरा था। उस अंधेरे में घनी झाड़ियाँ बेहद डरावनी थी, लेकिन वो लड़की आगे की ओर बढ़ती जा रही थी और वो शमशान पहुँच गई। वो लड़की उसी जगह पे पहुंच गई जहां उसकी माँ बैठकर आत्माओं की पूजा करती थी। इतने वक्त तक उस बच्ची ने अपनी माँ से सब कुछ सीख लिया था और अब उसकी बारी थी शमशान में भटकती आत्माओं को बुलाने की, उनसे बात करने की। पर ये सब कुछ उस लड़की के लिए उतना आसान नहीं था। उस लड़की ने भी वही क्रियाएं दोहराई जिसको उसकी माँ किया करती थी। ये सब करते हुए पूरे 1 घंटे बीत चुके थे, पर अब तक कोई भी आत्मा उसके पास नहीं आई। उस लड़की को लगा कि ये सब उससे नहीं हो पाएगा और ये सारी चीजें झूठी है। पर जैसे ही वो लड़की उस आसन से उठने लगी, तभी अचानक वहाँ तेज हवा चलने लगी। सामने कुंड में जल रही आग हवा के झोंके से इधर उधर बिखरने लगी और आग बुझ गई। उस बच्ची ने अपनी आंखें बंद कर ली, पर अगले ही क्षण वो हवा रुक गई। लड़की बहुत घबरा गई। उसने अपने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। पर आत्मा की आवाज उस लड़की के कानों में गूंज रही थी। वो लड़की तुरंत ही वहां से भागकर अपनी माँ के पास आ गई और सारी बात बतलाने लगी। उसकी पूरी बात सुन उसकी माँ यानी डायन ने बताया कि वो आत्मा अब तुम्हारे अंदर आ चुकी है और वो तेरी हर इच्छा पूरी करेगी। लड़की डर गई और कहने लगी कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कृपया करके उस आत्मा को मेरे शरीर से निकाल दीजिए। अगर मुझे पता होता तो मैं ये काम बिल्कुल भी नहीं करती। मैं बस उत्सुकतावश आपको देखकर ये सब करने लगी, पर मुझे डर लगता है और मुझे इस चीज से बाहर कर दीजिए। तब उस डायन ने कहा कि तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम एक डायन की बेटी हो। तुम्हें किसी जंगल में फेंक दिया गया था, तब से मैं तुम्हारी देखरेख कर रही हूँ और मैं कभी नहीं चाहूंगी कि तुम्हारे साथ कुछ अनर्थ हो, क्योंकि अब मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती और इस कारण मैं उस आत्मा की पूजा नहीं कर पाती। अगर ज्यादा दिन तक ऐसा हुआ तो आत्मा हम पे ही हावी हो जाएगी और मुझे मार देगी और यहाँ तक कि तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगी। इसी कारण मैंने ये सब क्रियाएं तुम्हें सिखाई और ये काम तुम्हें सौंप दिया है। आज से उस आत्मा की पूजा तुम ही करोगी और तुम जो चीज चाहोगी वो आत्मा तुम्हें लाकर देगी। पर याद रखना, उसकी पूजा कभी मत छोड़ना, वरना वो आत्माएं तुम्हें मार देगी। वो लड़की और डायन गांव से दूर जंगल में रहते थे, पर अचानक एक दिन गांव के लोगों को भनक लग गई कि जंगल में एक डायन रहती है जो हमारे गांव पे बुरी नजर रखे हुए है। और एक दिन दर्जन भर आदमी उस डायन को ढूंढते हुए जंगल पहुंच गए। जंगल में काफी देर भटकने के बाद उन लोगों को एक झोपड़ी नजर आई। वो लोग झोपड़ी के सामने इकट्ठा हो चुके थे। उन्होंने देखा कि सामने बिस्तर पर एक औरत सोई हुई है। उन्हें समझ आ गया कि यही वो डायन है और वो लोग डायन को बांधकर खींचते हुए गांव में ले गए और वहां ले जाकर एक खंभे से उसे बांध दिया। कुछ ही देर में सारे गांव वाले वहां जमा हो गए। वो डायन रहम की भीख मांग रही थी कि मैंने कुछ नहीं किया, हाँ मैं डायन हूँ
पर आज तक किसी को कुछ हानि नहीं पहुंचाई, पर लोग उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थे। लोगों ने उस डायन पर मिट्टी का तेल छिड़क उसे जिंदा जला दिया। वो डायन जलकर राख हो गई। उस दिन संयोग से उसकी बेटी वहां नहीं थी, वरना गांव वाले उसे भी मार देते। पर जब वो लड़की अपनी झोपड़ी में पहुंची तो वहां अपनी माँ को ना पाकर उसे आवाज लगाई। उस लड़की को लगा कि शायद उसकी माँ किसी काम से गांव में चली गई होगी, लेकिन काफी देर तक इंतजार करने के बाद जब उसकी माँ नहीं आई तो उस लड़की को शक होने लगा कि जरूर कोई बात है। तभी उस लड़की ने गांव जाने का फैसला लिया और गांव की तरफ चल दी। जब वो गांव पहुंची तो कई सारे बच्चों के मुंह से कहते हुए सुना कि कल एक डायन को यहां जिंदा जलाया गया था। लड़की ये बात सुनकर बहुत रोने लगी। वो लड़की समझ चुकी थी कि गांव वालों ने सचमुच उसकी माँ को जिंदा जलाकर मार दिया। अब मैं इन गांव वालों को नहीं छोड़ूंगी। लड़की ने उस गांव में रहकर उन गांव वालों से बदला लेने की सोच ली और इस गांव में अपना नाम अंबिका रख लिया और उस गांव के बच्चों के साथ रहने लगी। अंबिका गांव में ही लोगों के यहाँ जाकर साफ सफाई और उनके काम में हाथ बटाकर कुछ पैसे इकट्ठा कर लेती थी। धीरे धीरे वो उस गांव के लोगों के साथ घुल मिल गई। अब वो पूरे 18 वर्ष की हो चुकी थी, लेकिन गांव में किसी भी व्यक्ति को ये नहीं मालूम था कि ये उसी डायन की बेटी है जिसे गांव वालों ने जिंदा जलाकर मार दिया था। अंबिका इतने दिन गांव में रह चुकी थी कि अब तक वो गांव की हर चीजों से वाकिफ थी। और जहां तक बात है गांव के बच्चों की, तो वो भी अंबिका से बहुत लगाव रखते थे। ज्यादातर समय अंबिका के साथ ही बिताया करते थे। अपनी माँ के मरने के बाद भी अंबिका ने आत्माओं को पूछना नहीं छोड़ा। वो हर एक क्रिया करती गई जैसे कि उसकी माँ ने उसे बताया था, और अब वो इन सब चीजों को लेकर बहुत पक्की हो गई थी। अब वक्त आ गया था गांव वालों से बदला लेने का और अंबिका पूरी तरह तैयार थी। वो जानती थी कि गांव वाले कभी उस पर शक नहीं करेंगे और इसी चीज का फायदा उसने उठाया। एक बार अंबिका अपनी सहेलियों को जंगल घुमाने के लिए ले गई और इस चीज की भनक किसी को भी नहीं लगने दी। उन लोगों को लेकर अंबिका जंगल में बहुत अंदर जा चुकी थी। जंगल के इतने भीतर आकर उसकी सहेलियों को डर लगने लगा। उन लोगों ने कहा कि अंबिका हमें इस जंगल से बाहर ले चलो, हमें बहुत घबराहट हो रही है और मुझे तो यहाँ से निकलने का रास्ता भी नहीं पता। अंबिका ने कहा कि तुम लोग डरो मत, मैं तुम सबको ले चलूंगी। और अंबिका इधर उधर की बात करने लगी। धीरे धीरे शाम होने लगी। अंबिका की सहेलियों को समझ में आने लगा कि जरूर कुछ गड़बड़ है। आखिर अंबिका को ये घना जंगल इतने अच्छे से कैसे पता है? ये जरूर हम लोगों के साथ कोई खेल खेल रही है। अंबिका ने कहा कि तुम लोग परेशान मत हो, बस रात होने वाली है, आज यहीं रुक जाते हैं। तभी उस सहेली ने कहा, तुम पागल हो गई हो क्या? इस जंगल में अगर कोई जंगली जानवर आ गया तो हम लोगों को जिंदा खा जाएगा, और तुम यहाँ रुकने की बात कर रही हो? इस जंगल में तुम्हें रुकना है तो रुको। ये कहकर उसकी सहेलियां जाने लगी। तभी अंबिका ने अपने पास से कागज की पूड़ियां निकाली और उसे हवा में उड़ा दिया। उस पूड़ियों के हवा में उड़ते ही उसकी सहेलियां बेहोश हो गई और वहीं जमीन पर गिर गई। अंबिका ने कुछ क्रियाएं उन लड़कियों पर भी की और जब उन लड़कियों को होश आया तो उन्होंने अपने आप को अपने घर में पाया। उन लड़कियों के माता पिता ने उन्हें काफी डांट लगाई और पूछा
कि इतनी देर तक तुम सब कहाँ थी? तब उन लड़कियों ने जवाब दिया, हम लोग तो यही थे, कहीं नहीं गए थे। उन सब लड़कियों की याददाश्त चली गई थी, उन्हें कुछ भी याद नहीं था कि उनके साथ क्या हुआ। एक हफ्ते बाद गांव में ये बात फैलने लगी कि उनकी लड़कियां रात में अजीब अजीब सी हरकतें करती है। यही नहीं, एक लड़की ने अपने माता पिता को जान से भी मार दिया और वो कहीं चली गई। उन लड़कियों के अंदर जो आत्मा आ चुकी थी वो उन लड़कियों से ये खून करवा रही थी। धीरे धीरे गांव की स्थिति बेहद खराब होने लगी, गांव में मौत होने लगी और किसी को कोई कारण पता नहीं चला। उस गांव में आत्माओं का ऐसा कहर बरपा कि कोई सोच भी नहीं सका था। उस गांव के सारे मर्द मारे गए, कोई भी नहीं बचा, यहाँ तक कि एक बच्चा भी नहीं बचा। सिर्फ वही लड़कियां जिंदा बची जो जंगल गई थी। ये सब देखकर अंबिका बहुत खुश होने लगी कि अब उसका बदला पूरा हो चुका है। और इस तरह डायन का बदला पूरा हुआ। उन गांव वालों को किसी निर्दोष को जान से मारने की सजा मिली और सजा थी उनकी। ये बात सच है कि किसी की चीजों को बिना पूछे छूना और उसे देखना गलत है। आपने तो कई दफा ये सुना होगा कि किसी व्यक्ति को कोई अनमोल चीज हाथ लगी और वो बहुत अमीर हो गया। ऐसे ही एक चीज कार्या के हाथ लगी, लेकिन वो अमीर नहीं हो सकी। आखिर वो क्या वस्तु थी? मैं सिया खान ये रहस्य आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। वर्ष 2004, काव्या अपने कुछ साथियों के साथ पहाड़ी इलाके की सैर के इरादे से गई थी। काव्या घूमते हुए अपने साथियों से थोड़ी दूर चली गई थी। उसकी नजर सामने घनी झाड़ियों के बीच एक छोटी सी वस्तु पर पड़ी। काव्या सोचने लगी, आखिर ये चीज है क्या, जाकर देखती हूँ। काव्या ने देखा कि वो एक डायरी है जो पूरी तरह से सील की हुई है। काव्या को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये डायरी है किसकी और ये कैसे आई यहाँ तक। काव्या ने उस डायरी को उठाकर अपने पास रख लिया, जिसकी जानकारी अपने साथियों को भी ना होने दी। रात को जब काव्या अपने घर को लौटी तो वो इस उलझन में थी, आखिर डायरी में है क्या? शायद मुझे इसे खोल कर देखना चाहिए, पर क्या ये करना सही होगा? किसी की डायरी को छूना अच्छी बात तो नहीं है। ये डायरी किसकी है? जब तक मैं इसे खोलूंगी नहीं, तब तक मैं कैसे जान पाऊंगी? सोचते सोचते रात से सुबह हो गई, पर काव्या उस डायरी को खोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। पर अगली रात काव्या ने उस डायरी को खोलने का फैसला किया। कुछ सच थे जो अभी काव्या के सामने आने बाकी थे। आखिर क्या था उस डायरी में? आखिर किस तरह की सच्चाई से काव्या रूबरू होने वाली थी? रात हो गई और काव्या उस डायरी को खोलने का प्रयास करने लगी। डायरी इस तरह से सील थी कि अगर थोड़ा जोर लगाया जाए तो वो फट सकती थी। काव्या के हाथ कांप रहे थे। खुद काव्या भी नहीं समझ पा रही थी कि आखिर ये हो क्या रहा है। और काव्या ने उस डायरी को पढ़ना शुरू किया। उस पर लिखा हुआ था, मैं सागर हूँ, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। मैं हूँ कहाँ, मैं खुद भी नहीं जानता। मेरे माता पिता की मृत्यु के बाद आज पहली बार मैं इस डायरी में अपनी हर दुख और सुख के लम्हों को अक्षरों में बयां करने जा रहा हूँ। सुबह मेरी नींद
मेरी माँ की आवाज से खुली कि नाश्ते का समय हो गया है, अब तो उठो। और कितनी देर सोए रहोगे? मैं आंखों को मलता हुआ उठ गया और हाथ मुंह धोकर मैं माँ से मिलने रसोई घर में चला गया, तो वहाँ कोई नहीं था। मेरी माँ वहाँ नहीं थी। मैंने अपने पिताजी को भी आवाज लगाई, वो भी घर में नहीं थे। मुझे घबराहट होने लगी थी कि इतनी जल्दी वो लोग कहाँ चले गए। मैंने इधर उधर आवाज भी लगाई पर वो कहीं नहीं दिखे। मैं सोच रहा था कि थोड़ी देर पहले तो मेरी माँ ने मुझे आवाज लगाई थी और पल भर में कहाँ गायब हो गई, वो भी बिना बताए। मेरे घर के आसपास किसी और का घर नहीं था, तो आखिर वो चले कहाँ गए? अगर मैं किसी को ये बात बताऊं तो लोग हंसेंगे मुझ पर, और ये बात सच भी है। कोई कैसे मुझ पे यकीन करेगा कि अचानक मेरे माता पिता गायब हो गए? जोर से खिड़की खुलने की आवाज आई और मेरी नींद खुल गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये मेरा सपना था। इस सपने से बाहर आकर मैं काफी खुश था, क्योंकि इस सपने ने मुझे काफी बेचैन कर दिया था। नींद खुलते ही मैंने खिड़की से बाहर झांका तो देखा कि बाहर जोर का तूफान आया है। तेज हवा चल रही है। धूल मिट्टी से बने कोहरे के सिवा बाहर और कुछ नहीं दिख रहा था। मैंने झट से उस खिड़की को बंद कर दिया और फिर माँ से मिलने उनके पास जाने लगा। पर ये क्या, माँ तो मुझे कहीं दिख ही नहीं रही थी और मेरे पिताजी भी कहीं नहीं दिख रहे थे। बिना बताए वो लोग कहाँ चले गए? मेरा सपना सच हो रहा था। मैंने उन्हें इधर उधर बहुत ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिले। मैं बहुत बेचैन हो गया था। सुबह से ढूंढते हुए दोपहर हो गई। आखिर मेरे साथ क्या हो रहा था? इस तरह की घटना आज तक मेरे साथ नहीं हुई। ये कैसे संभव है कि मेरे माता पिता अचानक से गायब हो गए? मैंने घर से दूर कुछ बाहर वाले लोगों से भी पूछा पर कोई कुछ नहीं जानता था। इस बात से मुझे और भी ज्यादा घबराहट होने लगी थी। मैंने सोचा कि रहने देता हूँ, हो सकता है वो कुछ जरूरी काम से कहीं गए होंगे, शायद रात तक वापस आ जाएंगे। हो सकता है कि कुछ ऐसा भी काम होगा जिसे बताना उन्होंने मुझे जरूरी नहीं समझा। मुझे आज रात तक का इंतजार करना चाहिए। रात को मैं अपने बिस्तर पे आराम कर रहा था। धीरे धीरे मेरी पलकें बंद हो रही थी, तभी अचानक मुझे अपने कमरे में किसी के होने का एहसास हुआ। मैं झट से बिस्तर से नीचे उतरा और देखने लगा। मैंने सोचा, लगता है कि मेरी माँ आ गई है, चलो बाहर चल के देखता हूँ। जैसे ही मैं बाहर गया तो वहाँ कोई नहीं था। बाहर काफी शांति थी, रात काफी हो चुकी थी पर अब तक वो लोग लौट कर नहीं। मैं इस बात को पहले तो बहुत हल्के में ले रहा था पर अब ये सब एक खौफनाक रूप ले चुका था और मुझे अंदर ही अंदर डरा रहा था। तभी अचानक मुझे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। मैं उस आवाज के पीछे पीछे जाने लगा। थोड़ी दूर जाने के बाद वो आवाज बंद हो गई। मैं बहुत घबरा गया था। उसी दौरान मैं इधर उधर नजर घुमाने लगा तो वहां एक बहुत ही गहरा कुआं दिखा। मैंने जैसे ही उस कुएं में झांका तो मेरे होश उड़ गए। उस कुएं में मेरे माता पिता की लाश तैर रही थी। मेरा पूरा शरीर हिल कर रह गया था। मैं वहीं पर गिर गया क्योंकि मैंने सपने में भी नहीं सोचा था मेरे साथ ऐसा भी कुछ हो सकता है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये किसकी साजिश हो सकती है। ऐसे तो वो जानबूझकर इस कुएं में तो नहीं गिर सकते, तो फिर बात क्या है, मुझे जानना था। फिर एक पल के लिए मैंने भी सोचा
कि जब मेरे माता पिता ही नहीं है दुनिया में तो मैं जीकर क्या करूं। मैं भी इस कुएं में कूद कर जान दे देता हूँ। पर तभी मैंने सोचा, जिसने ये सब किया है जब तक मैं उसे ना पकड़ लूं तब तक मैं चैन से मर नहीं पाऊंगा। उसी रात मैंने कुएं से उनकी लाश निकाल कर वही जमीन में दफन कर दिया और इसकी बहना किसी को भी नहीं लगने दी कि मेरे माता पिता अब नहीं रहे। इस बात को एक हफ्ता बीत चुका था और अब जो मेरे साथ होने लगा था वो बेहद अजीब था। शायद किसी को विश्वास ना हो, आज तक बिना पूछे मैंने कभी भी माँ की रखी वस्तुओं को नहीं छुआ, पर आज उनकी मौत के बाद सच जानने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। मैंने माँ के कमरे की तलाशी लेना शुरू कर दी। तलाशी के वक्त जो सच मेरे सामने आना शुरू हुआ उसने मुझे अंदर से हिला कर रख दिया। जब मैंने उनके बक्से को खोला तो उसने मुझे अजीब आकार की कई सारी हड्डियां मिली जो देखने में बहुत ही खौफनाक लग रही थी। देखने में तो ये लग रहा था कि ये सारी हड्डी किसी इंसान की है। मैं घबरा गया। मुझे लगा आखिर माँ इन सब चीज़ों का क्या करती थी। जब मैंने माँ और पिताजी दोनों के कमरे की तलाशी ली तो ऐसे ऐसे सच मेरे सामने आए कि मेरे होश उड़ गए। विचित्र तरह की हड्डियाँ, कई सारे रंग की पोटलियाँ, अजीब से कपड़े और कई सारी मोमबत्तियाँ मिली जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर इन सब चीज़ों का मतलब क्या है। मुझे वहीं पर एक बड़ा सा सफ़ेद कागज़ मिला जिसपे तंत्र मंत्र से संबंधित ढेर सारी बातें लिखी हुई थी। ये सब चीज़ें काफ़ी चौंकाने वाली थी क्योंकि इन सब के बारे में मैं नहीं जानता था, लेकिन मुझे इन सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से जानना था। इन सब चीज़ों को देखते देखते काफ़ी रात हो गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि अब सुबह को ही इस पर गौर करेंगे और फिर मैं सोने के लिए अपने कमरे में चला गया। नींद तो मुझे आ नहीं रही थी, मैं सिर्फ ये सोचता रहा कि आखिर इन सब के पीछे की सच्चाई क्या है। मैं सिर्फ अपनी आंखें बंद कर लेटा हुआ था कि अचानक मेरे कमरे के बाहर किसी के चलने की आहट सुनाई दी। मैं तुरंत उठा, बाहर देखने चला गया। बाहर मुझे कोई नजर नहीं आया, पर जैसे ही मेरी नजर सीढ़ियों की ओर पड़ी तो मैंने देखा कि एक छोटी सी बच्ची वहां से नीचे उतर रही है। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था तो मैंने आंखों को मलकर फिर से देखा तो वहां कोई नहीं था। ऐसे कैसे हो सकता है, मैं यही सोच रहा था। फिर मैंने फैसला लिया कि आज रात को उन मंत्रों का जाप करके देखूंगा कि आखिर होता क्या है। शायद जो भी हुआ उस मंत्रों की वजह से हुआ है और उसकी सच्चाई जानना जरूरी थी। मैंने वो सब क्रियाएं करनी शुरू कर दी जो उस कागज पे लिखी थी। हर कुछ बिल्कुल उसी तरह उसी अनुसार करना शुरू कर दिया। उस कागज पे लिखा हुआ था कि मंत्र उच्चारण के समय अपनी आंखों को बंद रखें और किसी भी कीमत पर ना खोलें। मुझे तो ये बात बेहद फजूल लग रही थी। मैं सोच रहा था कि अगर ये बात इस डायरी में लिख रहा हूँ क्या कोई यकीन कर पाएगा कि ये सब भी मुमकिन है। पर अभी तो इससे भी बड़ी सच्चाई सामने आना बाकी थी। मैंने उस कागज पर लिखी सारी क्रियाएं करनी शुरू कर दी। कुछ घंटे बीत गए पर मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। जैसे कि उस कागज पर लिखा हुआ था कि क्रिया के कुछ घंटे बाद आपको अपने आसपास किसी का एहसास होने लगेगा, पर मेरे साथ ऐसा
कुछ नहीं हुआ। मैंने सोचा ये सब फिजूल है और मैंने अपनी आंखें खोल दी। जैसे ही मैंने आंखें खोली तो सामने मुझे एक छोटी सी बच्ची दिखी। मैं एकदम से चौंक गया, लगा कि आखिर ये बच्ची कौन है और यहाँ कैसे आई। फिर मुझे याद आया कि लगता है शायद ये वही बच्ची है जिसे मैंने रात सीढ़ियों से उतरते देखा। वो बच्ची चुपचाप मेरे सामने खड़ी हुई थी किसी मूर्ति की तरह। मैंने तुरंत ही उस बच्ची को जोर से पकड़ लिया और जैसे ही छुआ मुझे एक जोर का झटका लगा मानो बिजली के तार छू लिए हों। देखने में तो वो बच्ची एक साधारण बच्ची ही लग रही थी, पर ये तेज उसके अंदर आया कैसे। सोचा कि कागज पर लिखी सारी बातें झूठी थी क्योंकि मैंने आंखें खोल ली। क्या हुआ, एक बच्ची सामने खड़ी थी, ये मनुष्य है न कि कोई प्रेत आत्मा। तुरंत ही मैंने उस बच्ची से पूछा कि तुम यहाँ कैसे आई और कौन हो तुम और इतनी रात को मेरे कमरे में कैसे आई। एक बात तो मुझे परेशान कर रही थी कि आखिर ये अंदर कैसे आई, दिखने में तो ये प्रेत आत्मा नहीं लगती। फिर मैंने सोचा कि जैसे ही सुबह होगी मैं इसे इसके घर छोड़ आऊंगा और इस बच्ची को ठहरने के लिए मैंने एक कमरा दिया। पर ये रात मेरे लिए क्या खौफ छिपाए बैठी थी, मैंने कभी सोचा ना था। मैंने उन सभी कागज को जला दिया जिसमें मंत्र लिखा हुआ था और तंत्र मंत्र से संबंधित सारी चीजों को मैंने जलाकर राख कर दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे माता पिता की मृत्यु कैसे हुई। मैं उस बच्ची को देखने के लिए उस कमरे में गया तो वो अपने कमरे में नहीं थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये कहाँ चली गई। मैंने घर के बाहर अंधेरे में झांका तो देखा वो बच्ची वहीं खड़ी है बिल्कुल चुपचाप। मैं तुरंत नीचे उतर गया और उस बच्ची से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी उस बच्ची ने अपनी उंगली से सामने की ओर इशारा किया। मैंने देखा कि वहाँ की जमीन अजीब सी थी, ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ किसी ने कोई खुदाई की हो। वो बच्ची लगातार उसी ओर इशारा किए जा रही थी। आखिर बात क्या थी, मैं ये जानने के लिए घर के अंदर से फावड़ा उठा लाया और उस बच्ची को कहा कि तुम पीछे हट जाओ, मैं इसे खोद कर देखता हूँ आखिर बात क्या है। वो बच्ची मेरे पीछे खड़ी हो गई और मैं उस जमीन को खोदने लगा। थोड़ी देर खुदाई करने के बाद मुझे अंदर जो चीज दिखी उसे देखने के बाद एक पल के लिए मैं थम सा गया। वहाँ एक कब्र थी, उस कब्र में उस बच्चे की लाश थी जो अभी मेरे पीछे खड़ी थी। मुझे इतना डर लग रहा था कि इस डर को मैं अपने शब्दों में नहीं बयां कर सकता था। फिर मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो बच्ची वहीं खड़ी थी। मैं उसे देखकर पीछे हो गया और गिर गया। मैंने उसे पूछा कि आखिर तुम हो कौन। तब उस बच्ची ने कहा कि तुम्हारे माता पिता ने मुझे इस जमीन में जिंदा दफन कर दिया। मैं अपने घर के बाहर खेलते हुए सड़क के किनारे आ गई थी तब तुम्हारी माँ ने मुझे बहला कर अपने साथ ले आई और मुझ पर तंत्र मंत्र कर बेहोश कर दिया। और जब मैं जागी तो पाया कि मैं जमीन के नीचे हूँ और जैसे ही मैंने बाहर निकलना चाहा तो तुरंत बाहर की ओर आ गई। मुझे लगा कि मैं बच गई। मैं भाग कर अपनी माँ के पास गई। मैं बहुत खुश थी कि मैं बच गई हूँ। जैसे ही मैं अपने घर पहुंची तो वहाँ शोर मचा हुआ था, मेरे घर वाले रो रहे थे। मैं वहाँ पहुंचकर इधर उधर देखने लगी तो चारों ओर भीड़ थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर लोग रो क्यों रहे हैं। मैंने जैसे ही अपने घर में प्रवेश किया तो सामने देखा कि दीवार पर मेरी तस्वीर लगी हुई है जिस पर फूलों की माला चढ़ी हुई है। मैंने सामने बैठी अपनी माँ को देखा तो मैं तुरंत उनके पास चली गई। वो मुझे देख भी नहीं पा रही थी। मैंने रोते हुए उनसे कहा कि आखिर मेरे से ऐसी क्या गलती हो गई है कि आप लोग मुझे सुन भी नहीं पा रहे हो।
मैं तुरंत अपनी माँ के गोद में बैठ गई, पर उन्हें कुछ महसूस ही नहीं हुआ कि मैं उनकी गोद में बैठी हूँ। वो बस मेरी तस्वीर को देखकर रोए जा रही थी। मैं लगातार उनसे यही कह रही थी कि माँ मैं जिंदा हूँ, फिर भी आप लोग क्यों रो रहे हो, पर मेरी बात उन तक नहीं पहुंच पा रही थी। अचानक एक व्यक्ति मेरे आर पार हो गया और मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। फिर मुझे याद आया कि एक औरत ने मुझे अपने पास बुलाया था और उसी ने मुझे जिंदा दफना दिया। मैं वहां से भागकर उसी जगह पे आ गई जहां मुझे जिंदा दफन किया गया था। जब मैंने वहां की मिट्टी हटाई तो वो हट नहीं रही थी, मेरे हाथ उस पर स्पर्श नहीं कर पा रहे थे। थोड़ी ही देर में वहां वो औरत आ गई जिसने मुझे दफन किया था। मैंने उनसे कहा कि आखिर तुमने मुझे जिंदा दफन क्यों कर दिया, लेकिन वो औरत मेरी कोई बात नहीं सुन पा रही थी, मानो मेरी आवाज उसके कानों तक पहुंची ही नहीं। मैंने देखा कि वो औरत एक फावड़ा लाई और उस कब्र को खोदने लगी। खोदने के बाद मैंने देखा कि मेरी लाश अंदर पड़ी हुई है। अब मैं समझ चुकी थी कि मैं मर चुकी हूँ और इस औरत ने मुझे मारा है और मैं एक आत्मा हूँ और मुझे इन लोगों से बदला लेना है। तभी मुझे अपनी शक्तियों का एहसास हुआ और तभी मैं उस औरत के अंदर प्रवेश कर गई। मैं उस औरत के अंदर प्रवेश करके उसे कुएं के पास ले गई और उसमें कूद गई, और जैसे ही वो औरत मर गई तो मैं बाहर आ गई। अब मुझे उस व्यक्ति को भी मारना था जिसे मैंने उस कमरे में देखा था। फिर मैं उस व्यक्ति के पास पहुंच गई जो तंत्र मंत्र कर रहा था। मैंने उसके साथ भी वही किया जो इस औरत के साथ किया और दोनों को उस कुएं में डुबा कर मार दिया। इसी तरह मेरा बदला पूरा हुआ और आज तुमने उन तंत्र मंत्र के कागज को जलाकर मुझे मुक्ति दी है। और इतना कहकर वो बच्ची आंखों से ओझल हो गई। मैं अपने आप पर रोने लगा कि आखिर मेरे माता पिता ऐसे थे। अब मुझे उनकी मौत का कोई दुख नहीं था क्योंकि मौत की सजा उनके लिए कम थी। मैं अपनी इस डायरी में सब कुछ लिख चुका हूँ और अब मैं भी उसी कुएं में कूद कर जान दे रहा हूँ। इस डायरी को मैं फेंक रहा हूँ। जो कोई भी इस डायरी को खोल कर पढ़ेगा वो जिंदा लाश बन जाएगा, जिसे महसूस सब होगा पर वो कुछ कर नहीं पाएगा। डायरी पढ़ने की जो गलती काव्या ने की, उसका परिणाम ये हुआ कि अब काव्या एक जिंदा लाश है। पर इस कहानी में एक बात बहुत अजीब थी कि अगर वो बच्ची किसी को नहीं दिख रही थी तो फिर सागर को कैसे दिखने लगी, और ऐसा क्या सोचकर सागर ने। ये बात सच है कि किसी की चीजों को बिना पूछे छूना और उसे देखना गलत है। आपने तो कई दफा ये सुना होगा कि किसी व्यक्ति को कोई अनमोल चीज हाथ लगी और वो बहुत अमीर हो गया। ऐसे ही एक चीज काव्या के हाथ लगी, लेकिन वो अमीर नहीं हो सकी। आखिर वो क्या वस्तु थी? मैं सिया खान ये रहस्य आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ।